साहब लगाते हैं, जिला उपायुक्त महोदय। सर, आप अगर जो स्कूल में नहीं जाओगे 5 दिन तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों की तो देखो पढ़ाई बाधित होती है, बाधित होगी, इससे बच्चों पे भी फर्क। मैं इस टाइम सफेद गऊ बच्चा के ऊपर कपाल मोचन में ड्यूटी दे रहा हूँ सर। मंदिर में ड्यूटी लगाई हुई है? हाँ जी, हाँ मंदिरों में ड्यूटी, मंदिरों में टीचरों की ड्यूटी है। हाँ जी, शास्त्री और हिंदी टीचर्स की लगा रखी मंदिरों में ड्यूटी। उसके लिए पहले ना थोड़ा ट्रेंड किया, बताया हमें मंत्र उच्चारण के बारे में थोड़ा सा हल्का सा, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह। सरकार की तरफ से? हाँ जी, प्रशासन का ही है, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड के अंडर है मेला। सर, हमारी ड्यूटी पुजारी के पोस्ट के लिए लगाई गई है और हमारी ड्यूटी 30 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक है। 30 तारीख को हम लोगों की ट्रेनिंग थी, 31 से यहाँ मेले में ड्यूटी शुरू है, 31 से मेले में ड्यूटी शुरू है, 4 तारीख को ख़त्म है। सर, किसमें ड्यूटी लगाई है? ड्यूटी लगती है सर DC ऑफिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मेले के लिए हर साल लगती है लगभग। सर, वो बात आपकी सही है। इसमें क्या था सर, पहले ये मंदिर पुजारी बैठते थे तो प्रशासन ने अपने अंडर ले लिया इनको। प्रशासन ने अपने अंडर लेने के बाद इनको पुजारियों की दिक्कत आई तो इन्होंने अध्यापक, सबसे अच्छा लगा तो अध्यापक की ड्यूटी पुजारी के पद पे। देखो पता क्या सर, हम लोग वर्किंग है, हमने काम करना, हमारी ड्यूटी सरकार जिस भी पर्पज के, इलेक्शन है कौन कराता है? अध्यापक कराता है। जनगणना है कौन कराता है? अध्यापक कराता है। तो हमारी ड्यूटी तो जहाँ भी